fire, the basic list depend on the standard, British standard and American standard. हिंदी में ही बात करते हैं थोड़ा थोड़ा, उर्दू में भी. ये बताएं कि इसमें जो है सी क्लास फायर, सी सी कैटेगरी किसे इंडिकेट करता है? फायर ए क्लास फायर, बी क्लास एंड सी एंड डी एंड ई, देर आर द फाइव क्लास. बट समवेयर देर आर द फोर क्लास, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइव क्लास, ए बी सी डी ई. ओके, एंड ए फॉर द कंबस्टेबल मटेरियल, द बी फॉर द लिक्विड लाइक द पेट्रोल डीजल व्हाटएवर, ओके एक्सेट्रा, एंड द सी फॉर गैसेस, ओके, एंड डी फॉर मेटल्स, ओके, एंड ई फॉर somewhere the E is the no class, okay, but E is related to fire. E is related to fire. The C class indicate for electrical fire, right? So this is the suitable for electrical fire. A, B, C. What we are using? हम लोग ये बताओ कौन सा क्लास है? Okay, very good. You know, C class जो है वो electric के fire के लिए है. ये हम किसमें किसमें यूज करेंगे? पेपर में यूज करेंगे, है ना, कपड़ा में यूज करेंगे, लकड़ी में यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक में यूज करेंगे, है ना, और डीजल पेट्रोल में भी कर सकते हैं. मतलब यहाँ पे जो चीज है उसके लिए ये सूटेबल है. इसको बोलते हैं डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर कंपोनेंट होता है, ठीक है. इसके अंदर एक पिन होता है, वाटर है, ये होता है वेसल्स, ठीक है. जब ये प्रेस करते हैं ना तो वो वाटर वाला जैसे कैसे होता है वो D40 जो आप यूज करते हैं, D50 क्या, वो ये दबता है ना तो वो प्रेशर निकलता है, वो जाता है किस में? केमिकल्स के अंदर में. केमिकल में जैसे जाता है वो मिक्स करता है, मिक्स करके वो बाहर निकालता है, ठीक है, समझ गया ना. मैग्नीशियम सिस्टम बना हुआ, माइल्ड स्टोन का हम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट वी आर द एक्सप्लेनिंग, बट time is not suitable for the problem in each subject, right? We cannot cover.